खबर दुनिया में आपका स्वागत है। चलिए देख लेते हैं मध्य प्रदेश की खास खबरों को। किसानों को चिंता सता रही है कि बाढ़ के बाद जो उनकी जमीनें बर्बाद हुई हैं, तो अगली फसल कैसे बनाएंगे, कैसे बोएंगे। क्रॉप कटिंग में पूर्णतः फसल बर्बादी का आकलन शुरू हो चुका है। क्रॉप कटिंग का कार्य चालू। एग्रीकल्चर बीमा कंपनी द्वारा खातेगांव क्षेत्र में किसानों के खेत पर पहुंचकर 15x15 के प्लाट में क्रॉप कटिंग करके नुकसान का आकलन किया जा रहा है। तो ये जो आप खेत देख रहे हैं, ये किसान सुमंत दुबे का है और वहाँ पर अधिकारी पहुँचे हैं, विधायक पहुँचे हैं और पूरा मीडिया के समक्ष ही क्रॉप कटिंग का प्लाट डाला गया है और पूरी तरह से देखा जा रहा है कि क्या हुआ है। इसमें 15x15 की पोटली गड्ढा है जिसमें डंठल ज्यादा थे, फलियां तो नाम मात्र की थी, फलियां लगी भी थी तो उसमें बीज नहीं थे। तो इसे माना जा रहा है कि फसलें बहुत बुरी तरह से बर्बाद हुई हैं। किसान सुमंत दुबे ने बताया कि जिस जगह पर खड़े हैं वहां पर 8 से 10 फीट पानी था। कौन से गांव के आप किसान हैं? मैं मंडलेश्वर ग्राम का किसान हूं। ये आज आपके खेत में क्रॉस कटिंग की गई है अधिकारियों द्वारा, बीमा कंपनी के द्वारा देख रेख में, तो कितनी फसल लगभग खराब पाई गई है? सर जी, ये फसल अब आपके सामने है, इसमें पूरी 100% नुकसान है, मतलब कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि जो मवेशियों का चारा है वो भी सड़ चुका है बाढ़ के कारण। जिस खेत पे अपन खड़े हैं इसमें बाढ़ के दिन करीबन 8 फीट पानी था और फसल पूरी तरह नष्ट हो गई है। किसान को इसको सफा करने का जो खर्च लगेगा वो भी इस फसल से नहीं निकल पाएगा, ये कंडीशन है। और ये पूरी बजवाड़ा पंचायत में इसी प्रकार भीषण बाढ़ थी, जहाँ पर पूरे खेतों में करीबन 15 से 20 और 25 फीट तक पानी था। हमारे बजवाड़ा पंचायत में नर्मदा जी की भीषण बाढ़ थी इसमें और बहुत बेकार कंडीशन है। फिलहाल में यहाँ के किसानों की जो मवेशी हैं उनको भी चरने के लिए बड़ी दिक्कत है। ऐसी त्रासदी हमने हमारी ज़िंदगी में, मैं 40 वर्ष की उम्र है पर अभी तक मैंने ऐसी बाढ़ मैंने भी नहीं देखी है। क्या अब किसान के सामने इस समय बहुत बड़ी आर्थिक समस्या है। किसान अपने परिवार के पालन पोषण के लिए बेहद परेशान है। आगे उसको नई खेती करना है, उसके लिए भी उसके पास कोई व्यवस्था नहीं है, ना अभी तक कोई आपदा राशि दी गई है। जबकि 2013 में जब बाढ़ आई थी तो किसान को आपदा दिनांक से 8 रोज के बाद किसानों के खाते में आपदा राशि डाल दी गई थी, पर इस बार सिर्फ बोला जा रहा है पर अभी तक कोई भी राशि वगैरह किसान के खाते में नहीं डली है। 2019 का जो बीमा है वो भी अभी हवा में ही चल रही है बात। बहुत बढ़िया, आपका नाम बताएं? मेरा नाम है सुमंत दुबे। वहीं विधायक आशीष शर्मा ने कहा है कि पूरी तरह से फसलें बर्बाद हो गई हैं और बमुश्किल जब हमने यहाँ पर चेकिंग की, यहाँ पर प्लाट में देखा तो सोयाबीन के 50 दाने ही निकले होंगे जो कि 20 ग्राम भी नहीं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितना नुकसान हुआ है। कंपनी के द्वारा आज क्रॉसिंग की जा रही है सोयाबीन की फसल को, जो नुकसानी हुई उसको लेकर आपने भी निरीक्षण किया है, क्या पाया गया? देखिए, किसानों की सोयाबीन की फसल, मक्का की फसल पूरी तरह चौपट हो चुकी है। ये जानकारी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी दी थी, बीमा कंपनियों को भी अवगत कराया था और कल से हमारे विधानसभा क्षेत्र में फसल कटाई प्रयोग राजस्व विभाग के, बीमा कंपनी के, कृषि विभाग के चालू हो गए हैं। आज हम ग्राम मंडलेश्वर में एक किसान के खेत पर आए थे, 15x15 स्क्वायर फीट में प्लाट काटा गया। ये गट्ठर आप देख रहे होंगे, ये सोयाबीन का गट्ठर है और ये उसके बाजू से मैंने इतनी बड़ी जगह में से कुछ फलियां बीनकर और कलेक्ट किया तो उतनी ही जगह में मात्र इतने दाने निकले हैं, ये 50 दाने भी नहीं होंगे। कुल मिलाकर 15x15 स्क्वायर फीट में 20 ग्राम भी सोयाबीन, 25 ग्राम भी सोयाबीन नहीं निकल रहा है। आप समझ सकते हैं ये बहुत बड़ा नुकसान किसान भाइयों को हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय कृषि मंत्री जी इस परिस्थिति में किसान के साथ मददगार के रूप में खड़े हैं और हम प्रयास करेंगे सरकार से जो राहत मिल सकती वो तो मिले ही मिले, लेकिन किसान भाइयों को इस आपदा की घड़ी में अतिशीघ्र बीमे की राशि प्राप्त। और वहीं आपको बता दें कि सर्वे के अनुसार एग्रीकल्चर बीमा कंपनी के सर्वेयर ने जानकारी दी है, क्रॉप कटिंग करके आकलन किया गया तो पूर्णतः नुकसान सामने आ रहा है। 5x5 मीटर में क्रॉप कटिंग करके वजन करके आकलन किया गया जिसमें 1 किलो 8.95 ग्राम कट्टे का वजन आ रहा है। बोला था सर, इसमें नी के समान फसल उत्पादन हुई है और उसमें ये मतलब पूरी तरह से लॉस गया है इसका। आप कौन सी कंपनी से हैं? एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी से हैं जी सर। आपने कौन से गांव का सर्वे किया है और कहाँ क्रॉप कटिंग की है? मैंने अभी सर जस्ट ये सवासड़ा का सर्वे करके आया हूँ, वहाँ पर लगभग बायोमास वेट 7 किलो के समथिंग आया है और यहाँ पर क्रॉप कटिंग की तो इसमें
एक किलो के समथिंग वेट आया वो हमने। तो अब इसके बाद का क्या प्रोसेस रहेगी आप लोग? हमारा प्रावधान ये रहेगा कि जो नियमित रूप से जो जानकारी देना है वो हम देंगे। ठीक है, आपका नाम बताएंगे? भोला देवड़ा सर। और डीडीओ देवास नीलिमा सिंह ने जानकारी दी कि 5x5 किलोमीटर में क्रॉप कटिंग की गई है और उस आधार पर नुकसान का जायजा लगाया जा रहा है। आज क्रॉप कटिंग का जो बीमा कंपनी के द्वारा क्रॉप कटिंग की जा रही है, जो किसानों की फसल नुकसानी हुई थी, ये कितने स्क्वायर फीट में काटी जाती है और इसका क्या मायना है? ये 5x5 मीटर स्क्वायर मीटर में फसल कटाई होती है और रैंडम नंबर से होता है, ये ग्वालियर से ही नंबर आता है। अलाट होने के बाद जो भी खसरा नंबर आता है उसमें हमारे आरियो और पटवारी करते हैं। एक हलके में 2 आरियो को करना होता है और 2 पटवारी को करना होता है। आज जो कटाई आपने देखी उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान है। 5x5 में कुछ भी नहीं निकला, एक गट्ठा निकला है, उसमें दाने बिल्कुल भी नहीं हैं, फलियाँ नहीं हैं, तो काफ़ी नुकसान हुआ है अतिवृष्टि और बाढ़ से।